नमस्कार साथियों, श्री चंद्रमंगल सन सिटी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। साथियों, आज आपको बताया जाएगा किस तरह से आपने अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड के द्वारा यहां पर लॉगिन होना है और किस तरह से आपने न्यू जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए सर्वप्रथम आपको अपना लिंक किस तरह से अपने शेयर कर सकते हैं वो देखना पड़ता है। यहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड लगाने के बाद ओपन हो जाएगा आपका जो लिंक है। उसके बाद सर्वप्रथम आपको ऊपर दिखाई दे रहा है माई इनविटेशन लिंक। यहाँ पर आपके लेफ्ट और राइट के दोनों जो लिंक है वो आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद जैसे मान लो आपने लेफ्ट में उसको लगाना है या राइट में लगाना है, उस पर आपको क्लिक करना है या उस पर टच करना है। जैसे आप टच करोगे आपका जो लिंक है वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद जिस मैसेंजर के माध्यम से आपने उसको सेंड करना है आप यहाँ से कर सकते हो, चाहे व्हाट्सएप में उसको पेस्ट करके आप भेज सकते हो। और वहाँ से वो क्या करेगा, किस तरह से उनके सामने एक डायग्राम जो ओपन होएगा वो किस तरह से होएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है सर, जिसने भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसके सामने एक इस तरह का डायलॉग ओपन हो जाएगा। अगर उसने क्रोम में ओपन हो रहा है तो वहाँ पर क्या करना होता है, पूरी डिटेल दिखाई देने के लिए उसको सर्वप्रथम यहाँ से डेस्कटॉप साइट को करना होता है। उसके बाद उसके सामने जितनी भी है वो सारी सारी डिटेल उसको बढ़िया तरीके से दिखाई देगी पूरी तरीके से। मान लो यहाँ पर रेफरल आईडी अगर वो लिंक से करता है तो अपने आप यहाँ पे आ जाती है, और नहीं तो अपने को यहाँ पे रेफरल जो आईडी है वो डालनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे रेफरल नेम और रेफरल आईडी अपने आप उनकी आ जाएगी लिंक से अगर ओपन करते हैं तो, नहीं तो क्या करना होता है अपने को यहाँ पर जो आईडी है मैं मेरी खुद की आईडी डाल के देख देता हूँ, बता देता हूँ सर आपको। जी अभी आपके सामने जैसे मेरा नाम आ गया और मेरी आईडी आ गई। उसके बाद जैसे मैंने कहाँ पर उसको लगाना है, लेफ्ट या राइट के अंदर, तो जो लिंक में अपने जैसा जो लिंक अपने कॉपी किया था वो अपने आप यहाँ पे प्लेसमेंट उनका आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उनका पूरा नाम डालना होता है जो आधार कार्ड या पैन कार्ड के अंदर होता है। उसके बाद क्या होता है, यूज़र नेम, यूज़र नेम जो अपने एक यूज़र नेम बनाते हैं या आईडी का जो एक बनाते हैं आईडी वो उसमें डालनी होती है। मोबाइल नंबर इसमें डालना होता है ताकि अपने पास ओटीपी आ करके अपना, मैं मेरा खुद का मोबाइल नंबर इसमें डाल देता हूँ जी। इसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट कौन सा लेना है, स्टेट कौन सा है, सिटी, मेल आईडी और पैन नंबर ये। उसके बाद जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है जो वो अपने यहाँ पर रीड करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा उसको कि मैंने सारी ये इंस्ट्रक्शन वो पढ़ ली है डिक्लेरेशन की, और उसके बाद अपने इसको यहाँ पर जैसे टच करेंगे तो अपने सामने पूरा ओपन हो जाएगा कि ठीक है आपने जो पढ़ लिया है। एक सेंड ओटीपी का ऑप्शन अपने सामने आ जाता है। यहाँ से अपने ओटीपी सेंड करने के बाद अपने पास जो ओटीपी आती है वो उसको यहाँ पर लगाया जाता है। उसके बाद उसको सबमिट करके और अपने मोबाइल के अंदर उसके आ जाता है। उसके बाद वापस इसको लॉगिन करेंगे, कंटिन्यू लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपने वापस इसमें लॉगिन करने के बाद आपको अब बताया जाएगा कि अपने जो केवाईसी होती है वो किस तरह से अपने को यहाँ पर केवाईसी करने, क्योंकि अपने अकाउंट के अंदर पैसे केवाईसी करने के पहले नहीं आएगा, चाहे कितने अपने आईडी लगा दी, जिस दिन केवाईसी करेंगे उस दिन जितने भी पीछे का जो भी अपने पेमेंट बनता है वो सारा एक दिन आ जाता है। प्रोफाइल में जा कर के अपने प्रोफाइल पर जैसे टच करेंगे तो यहाँ पर डिटेल मांगता है। ये डिटेल अपने को इसमें इस तरह से स्क्रॉल करके इस डिटेल सारी को डालना होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, पैन कार्ड, बैंक या जो कैंसिल चेक होता है वो इसमें डाल सकते हैं, आधार का फ्रंट और बैक, आपकी खुद की फ़ोटो आएगी, बैंक नेम आएगा, अकाउंट नंबर, बैंक आईएफएससी कोड, ब्रांच और बैंक सिटी और अकाउंट नेम किसके नाम से है, ये डालने के बाद इसको अपने सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अपने यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो डैशबोर्ड पे है दिखाई दे देगा ये जो योर केवाईसी पेंडिंग आ रहा है। यहाँ पर क्या होगा, अपना केवाईसी अप्रूव्ड का ऑप्शन आ जाएगा ग्रीन अक्षर में। थैंक यू।